और गोरखपुर के कई इलाकों में बाढ़ से हालात खराब हैं। इलाके की राप्ती नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। पिपरौली ब्लॉक के कई इलाकों में पानी में डूब गए हैं। ग्रामीणों ने सड़क पर जाकर शरण ली है। सड़क किनारे अस्थायी कैंप में गांव वालों ने शरण ली है। ग्रामीणों का आरोप है कि प्रशासन की ओर से उन्हें कोई मदद नहीं मिल रही है। पॉलिथीन से बनाई गई छत फट गई है। जानवरों का चारा भी नहीं मिल पा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि पानी पार करने के लिए नाव तक की व्यवस्था नहीं की गई है। अभी यहाँ कोई भी व्यवस्था नहीं हुआ प्रशासन की तरफ से, और यहाँ लेखपाल आई थी 2-3 दिन पहले और वो भी देख करके चली गई। कह रही थी कि अभी आधे घंटे और एक घंटे में नाव आ जाएगी, लेकिन एक भी नाव नहीं यहाँ आई है। कैसे यहाँ के लोग निकल पा रहे हैं? इसी रास्ते लोग हेल करके जाते हैं। यहाँ लगभग बगल में गड्ढा है जो कि वहाँ बहुत गहरा, अगर बच्चे डूब भी सकते हैं इससे कोई भी हादसा हो सकता है, लेकिन यहाँ प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहे, न कि ग्राम प्रधान भी ध्यान दे रहे हैं। यहाँ घर घर बुड़ गए बा बाढ़ के पानी से। एक तो पन्नी ना आई है, भैंस गोरु हमन के भीज जाते हैं सब, हमन के बहुत दिक्कत बा। कहाँ है अभी आके आप लोग? बंधे पे। प्रशासन की तरफ से कोई मदद मिल पा रही? साधा हम कुछ नहीं मदद बा हमन के। कायल का कारा के घर में सब पानी भरा है। हम लोग यहाँ में खेले भी ना परेशान हो रहे हैं, न भैंसे भूसा है, न कुछ है, कुछ नहीं मिल रहा है, सरकार दे रही है। प्लास्टिक डाल के हैं तो इसमें क्या दिक्कत आ रही है? फट गया सब, चूहा तो बाहर आ रहा, सब भीज गया कहीं गई। यहाँ तो कुछ व्यवस्था भी नहीं है हम लोगों को, ना कुछ मिल रहा है। जो भैया खुद ही करते खुद ही खाते हैं, कुछ इस समय बाढ़ के क्षेत्र में देखकर कोई भैया व्यवस्था नहीं मिल रहा हम लोगों को। ना वो भैया लगा, बस लेखपाल के माध्यम से लगा भैया, और कोई व्यवस्था नहीं है, बस नाव से आना जाना है, मतलब यही व्यवस्था है। लगभग कितने लोग अंदर फंसे होंगे? अंदर भैया लगभग भैया होंगे घर आपके कम से कम 300 से 400 घर होंगे। काफ़ी दूर तक पानी है यहाँ से, अगर बंदे पर से अगर तुलना करेंगे भैया तो 700 से 800 मीटर तक है, मतलब मेन रोड से। अगर बगल से देखेंगे भैया तो गिनती नहीं कर पाएंगे हम लोग, कितना ज़्यादा पड़ जाएगा। और जल्द ही योगी मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के दौरे के बाद विस्तार किया जा सकता है। कहा जा रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार क्षेत्रीय और जातीय समीकरणों को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा। योगी कैबिनेट का विस्तार होगा, कितने चेहरों को जगह मिलेगी, वो कौन से चेहरे होंगे जिन्हें जगह दी जाएगी, इन तमाम सवालों पर लंबे वक्त से बहस जारी है। अब खबर है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के दौरे के बाद योगी कैबिनेट का विस्तार हो सकता है। माना जा रहा है कि योगी कैबिनेट में 5 से 6 मंत्रियों को जगह मिल सकती है। जितिन प्रसाद, संजय निषाद, पलटू राम, कृष्णा पासवान, छत्रपाल गंगवार मंत्री बनाए जा सकते हैं। और कहा जा रहा है कि मंत्रिमंडल का विस्तार जातिगत और क्षेत्रीय समीकरणों को ध्यान में रखकर किया जाएगा। हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए जितिन प्रसाद बड़ा ब्राह्मण चेहरा हैं, संजय निषाद निषाद समुदाय से आते हैं और लगातार सरकार में हिस्सेदारी की मांग करते रहे हैं। पलटू राम बलरामपुर से विधायक हैं और दलित समाज से आते हैं। हालांकि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर बीजेपी नेता कुछ भी कहने को तैयार नहीं है। कि मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर के मीडिया में लगातार चर्चाएं होती रही हैं, लेकिन ये बात बिल्कुल स्पेसिफिक है कि मंत्रिमंडल का विस्तार करने का विशेषाधिकार मुख्यमंत्री जी का होता है। मुख्यमंत्री जी जब उचित समझेंगे अपने कैबिनेट में किसको जोड़ना है, किसको आगे बढ़ाना है, किसको क्या विभाग देना है, ये मुख्यमंत्री का प्रोवेगेटिव होता है, विशेषाधिकार होता है। और जब वो उचित समझेंगे संगठन के साथ परामर्श करके उचित समय पर इसका निर्णय करेंगे। मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाओं के बीच संजय निषाद दिल्ली में हैं। कहा जा रहा है कि बीजेपी नेतृत्व के साथ बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा हो सकती है। वहीं कैबिनेट विस्तार पर विपक्ष का कहना है कि बीजेपी कुछ भी कर ले 2022 में विदाई तय है। देखिए, अब जब योगी सरकार की विदाई होने जा रही है तो उनके कैबिनेट के विस्तार होने ना होने का कोई फर्क नहीं पड़ता है। योगी जी की 4.5 साल से अधिक की सरकार में एक भी अपना काम गिनाने के लिए उनके पास नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में चल रही भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर मोर्चे पर फेल साबित हुई है। किसान परेशान है,
आत्महत्या करने पर विवश है। योगी कैबिनेट में शामिल होने वाले संभावित नामों पर गौर करें तो एक बात साफ है कि बीजेपी मंत्रिमंडल विस्तार में सभी सियासी समीकरणों को साधने की रणनीति तैयार कर रही है। लखनऊ से अविनाश सिंह के साथ टीम न्यूज़ स्टेट।